92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम लेके आपके पास आ गया हूँ मैं अनूप जलोटा, और आज आपके सामने शुरू में एक सुंदर भजन सुनाते हैं। राधा के बिना शाम, आधा कहते राधे शाम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। राधा के बिना शाम, आधा कहते राधे शाम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे। साथ है जैसे जल की धारा, साथ है जैसे नदी किनारा, साथ है जैसे नील गगन में सूरज चंदा तारा तारा। जैसे इनके बिना अधूरा मन वृंदावन धाम। बोलो राधे, बोलो राधे। राधा के बिना शाम, आधा कहते राधे शाम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे। तो अभी आपने सुना ये सुंदर भजन, और मैं आऊंगा आपके सामने लेके एक और भजन जिसमें से ढूंढेंगे एक सुंदर अच्छी नई आदत जो हम अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आज शहर कार्यक्रम आपके पास लेके आया हूँ मैं अनूप जलोटा, और प्रयास ये कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे भजन आज आपको सुनाए जाएं कि आप बस उस नशे में सारा दिन गुजार दें, भक्ति रस में, भक्ति के नशे में। प्रथम सुमिर श्री गणेश, गौरी सुत प्रिय महेश, सकल विघ्न भय क्लेश दूर से निवार। प्रथम सुमिर श्री गणेश, गौरी सुत प्रिय महेश, लंबोदर भुज विशाल, कर त्रिशूल चंद्र भाल, सोहत गले पुष्प माल, रत्र वसन धारे। प्रथम सुमिर श्री गणेश, गौरी सुत प्रिय महेश, मंगल शुभ दिवस आज, हर के उर हर समाज। मंगल शुभ दिवस आज, हर के उर हर समाज, विघ्न हरण रखियो लाज, विघ्न हरण रखियो लाज, हमरी द्वार द्वारे। प्रथम सुमिर श्री गणेश, गौरी सुत प्रिय महेश। प्रथम सुमिर श्री गणेश, सुबह सुबह गणपति का भजन करना, उनका स्मरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है, और यदि ये हमारी आदत में शुमार हो जाए कि हम सुबह उठकर एक बार श्री गणेश बोल दें। जी हाँ, आपने देखा होगा, सुना होगा, अक्सर लोग कहीं चलते हैं किसी काम के लिए तो कहते हैं चलो भाई श्री गणेश किया जाए, यानी उसको आरम्भ किया जाए। तो आज का दिन आरम्भ करते हैं हम श्री गणेश कहकर, और यही आदत हमें अपने जीवन में बनानी है। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। अब लौटूंगा और एक बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आपके अंदर भक्ति और उजागर हो जाएगी। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हर कार्यक्रम में मैं आपको ले चलता हूँ किसी न किसी सुंदर तीर्थ स्थल। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ शंकराचार्य मंदिर। जी हाँ, कश्मीर में जबरवान पहाड़ियों में है ये शंकराचार्य मंदिर। इसे ज्येष्ठेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये करीब 1000 फुट की ऊंचाई पर है। अब इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक के पुत्र जलावका ने किया था और उसके बाद गोपादित्य ने इसे बनाया, इसको एक नया रूप दिया और इसका नाम ज्येष्ठेश्वर रख दिया। शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से कश्मीर की ओर आए। वे जिस पहाड़ी पर रुके थे उसका नाम ही शंकराचार्य पहाड़ पड़ गया। अमरनाथ यात्रा के समय लोग यहाँ आते हैं और बड़े ही आनंद का अनुभव करते हैं। 253 सीढ़ियां हैं इस मंदिर तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये 253 सीढ़ियां आप भगवान का नाम लेते जाइए 10-15 मिनट में तय हो जाती हैं और आप मंदिर में पहुंच जाते हैं और उस सुंदर शिवलिंग के आप दर्शन करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि आप इतनी ऊंचाई पर हैं इसलिए पूरे श्रीनगर को भी आप देख सकते हैं। वहां से श्रीनगर की सुंदरता ऊपर से देखने में आपको बहुत आनंद आएगा। मंदिर शाम 8 बजे तक खुला रहता है। जो लोग भी जाना चाहें अवश्य जाएं और शंकराचार्य मंदिर में माथा टेक के आएं, जिसका दूसरा नाम है ज्येष्ठेश्वर मंदिर। तो ये आपने सुना और इसके बाद हम आपको एक बहुत अच्छी गायिका से मिलाएंगे। आप हैं बहुत ही अच्छी सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत की गायिका। आपने श्रीमती किशोरी आमोनकर जी से भी संगीत सीखा है और आपके संगीत में सुंदरता यह है कि आपके मन में भक्ति भावना जो भरी हुई है वो आपके संगीत में उजागर होती है। आप हैं संघमित्रा भराली। जी हाँ, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम और अब थोड़ी देर में आपको मिलाते हैं संघमित्रा भराली से। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ और आज बहुत अच्छी गायिका हमारे स्टूडियो में आई हैं। आप हैं संघमित्रा भराली। बहुत ट्रेंड वॉइस। पहले तो ये जानना चाहेंगे संघमित्रा जी कि संगीत का शौक कैसे पैदा हुआ। मैं बहुत ही छोटी सी थी तो मैंने अपनी मम्मी को देखा था कि पैडल ऑर्गन बजाती थी वो। मेरे नाना जी का बड़ा शौक था कि उनके सारे बच्चे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाए और गाए, तो मम्मी का शौक था गाने का। तो बचपन में मम्मी ने मुझे हारमोनियम पे पहले सिखाया कैसे गाना बजाते हैं। और जो मेरे पापा एक हिंदी राइटर थे, तो बचपन में पापा को बहुत अच्छा लगता था अगर मैं वो उनके लिए कुछ पद मैं गाऊं। तो म्यूजिकली गाना मम्मी से और पद को गाना पापा से। तो इस तरह आपके अंदर दोनों चीजें आ गई जी, भक्ति भी आ गई और संगीत भी आ गया। उसके बाद मैं आगे जाके कल्पना भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता और बॉम्बे आके मैं किशोरी दीदी का मेरी गुरु है उनके पास से मैंने सीखा। बहुत अच्छा। किशोरी जी तो देवी मानी जाती हैं संगीत के क्षेत्र में, सरस्वती की पुत्री मानी जाती हैं। जी जी, बहुत खुशी की बात है। तो आज आप क्या गाना सुना रही हैं कुछ ये भी तो बताइए। आज मैं सोच रही हूँ अनूप जी मेरे सामने बैठे तो उनका और मेरा एल्बम एक फ्रैंकफिन कंपनी से रिलीज हुआ। जी हाँ जी, अनूप जी ने मेरे लिए खास करके मेरे लिए बनाया था वो गाना, तो मैं थोड़ा सा सुनाइए। डूबो गहरे पानी में राम नाम की वाणी में, डूबो गहरे पानी में राम नाम की से है ये जी
क्या हो भरी जवानी में, डूबो गहरे पानी में, राम नाम की वाणी में, डूबो गहरे पानी में, राम नाम की वाणी में। वाह 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 वाह, क्या माहौल बन गया है, इतना सुंदर माहौल आपने इस भजन से बना दिया है। आज आपने यहाँ आकर बहुत आनंद दिया हम सबको, और हम फिर से आपको शहर के कार्यक्रम में बुलाएंगे, कभी आप जरूर आइएगा। थैंक यू। तो 92.7 बिग एफएम आप सुनते रहिए शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। इसके बाद एक भजन मैं आपको और सुनाऊंगा और उसके अंदर किसी सुंदर भावना को उजागर करेंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ, और अब मैं आपको एक बहुत सुंदर सरस्वती वंदना सुनाता हूँ, इसका आनंद लीजिए। छेड़ो फिर वीणा के तार, 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 दूर करो सब मन के अंधेरे, बस जाओ गीतों में मेरे, दूर करो सब मन के अंधेरे, बस जाओ गीतों में मेरे, खूब सुनाओ प्राण पुकार, खूब सुनाओ प्राण पुकार, छेड़ो फिर वीणा के तार, छेड़ो फिर वीणा के तार, वीणा के तार, वीणा के तार, दूर करो सब मन के अंधेरे, बस जाओ गीतों में मेरे। हे सरस्वती माँ, आप तो विद्यादायिनी हैं, आप तो संगीत प्रदायिनी हैं, हमारे जीवन से अंधेरे दूर कर दीजिए, हमारे जीवन में विद्या के उजाले भर दीजिए, अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर दीजिए, आपसे यही प्रार्थना है। तो आज का शहर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ और आपको सुनाएंगे नए सुंदर सुंदर भजन, नए सुंदर विचार, और मिलाएंगे एक बहुत अच्छी प्रतिभा से। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम।